सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ जहां यूपी में छात्रों को अच्छी शिक्षा देने का दावा किया जाता है, वहीं मेरठ में उनका यह दावा पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। जी हां, अच्छी शिक्षा तो दूर की बात है, यहां पर छात्रों के बैग से तमंचे बरामद हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ के एक एसडी इंटर कॉलेज में देखने को मिला, जहां स्कूल के प्रिंसिपल के जरिए स्कूली बच्चों की तलाशी के दौरान एक 11वीं कक्षा के छात्र के बैग में से शिक्षा के किताब की जगह तमंचा बरामद हुआ। प्रिंसिपल ने जब तमंचा देखा तो दंग रह गए। पूछताछ पर बच्चे ने जब कुछ नहीं बताया तो प्रिंसिपल ने बच्चे के माता पिता को इसकी सूचना दी और मौके पर पुलिस को भी बुला लिया। बच्चे को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने ले आई और बच्चे स्कूल में तमंचा जैसा हथियार रखने की वजह पूछी तो उसने बताया ये उसके दोस्त ने दिया था और यह कहा कि इसे किसी को बेच देना, बाकी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। किसने दिया था तमंचा? सर, एक लड़के ने दिया था। कौन है? मुगल। कौन है वो? मुगल भाई। ये कौन है? कौन है सर? पता नहीं, दोस्त है। फ्रेंड सर। नाम क्या उसका? मुगल। क्यों दिया था तुमने तमंचा? सर, उसने कहा था ना तो ले जा, अगर तुम्हारे यहाँ कोई ले तो ठीक है। मैंने सर आज जैसे उन्होंने जाता है ऐसे ले जाके दे दिया, तो वो बोला मैं रुक जा 10-15 मिनट बाद मैं छुट्टी होने वाली, मुझे जब दे दी मैं जब तेरे से लेना आ जाऊँगा। जी सर, नहीं स्कूल में नहीं दिया था। मैंने कहा अगर तुम्हारे यहाँ कोई देख लो तो मैंने बोला कि भाई मैंने इससे पहले भी दिया आपको? इससे पहले भी कभी दिया? सर, कितने दिन से था तुम्हारे पास तमंचा? सर, कल दिया था, आज मैं देने वाला था, बार बार करने वाले थे सर। वही पुलिस इस बच्चे को तमंचा देने वाले की तलाश में जुट गई है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है जिन मासूमों के हाथों में शिक्षा की किताब होनी चाहिए, उन हाथों में जानलेवा हथियार होना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं इसका असर बच्चों में आज के दौर की फिल्मी दुनिया का है या परिवार की बच्चों के प्रति लापरवाही होने की वजह? आज दोपहर को सदर थाना क्षेत्र के एसडी इंटर कॉलेज में एक 11th क्लास का छात्र है, उसका नाम गौरव है, उसके पुलिस को सूचना दी। जो हमारी डायल 100 गाड़ी थी उसने वहाँ पर सूचना को अटेंड किया, उसके कब्जे से एक तमंचा मिला है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। ये अभी पूछताछ जारी है क्योंकि घटना अभी थोड़ी देर पहले की है और सारा डिटेल उससे पूछताछ होगा, उसके साथ में और भी कोई इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।